नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आप भी घर बैठकर मच्छरों को भगाना चाहते हैं तो बस घर पर बनाएं उनको भगाने का रिफिल, है ना। सुनकर हो गए ना हैरान। इन दो चीजों को अगर आप मिला लोगे तो आप इजीली अपने घर के सारे मच्छर को दूर भगा लोगे। स्पेशली लॉकडाउन टाइम पे हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि मच्छर हमारा पीछा नहीं छोड़े। गर्मी का मौसम शुरू हुआ नहीं कि मच्छरों ने हम पे हमला बोल दिया और वो हमें चिपकने लगते हैं, फिर काटने लगते हैं और फिर हम घंटों उस जगह पर खुजलाने लगते हैं। खुजलाने के बाद हमारी वो जगह सूज जाती है और बहुत दर्द करती है। खास तौर पर रात को सोना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप बिल्कुल मत परेशान होइए क्योंकि बहुत सारे लोग मच्छरों से दूर रहने के लिए बाजार से बहुत तरह के केमिकल्स, स्प्रे, अगरबत्ती, बहुत कुछ नया ट्राई करते हैं। लेकिन उनसे मच्छर तो भागते हैं, लेकिन जो उनकी स्मेल होती है ना, उससे बूढ़े और घर के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर पर ऐसा नुस्खा जिससे आप आसानी से बनाकर अपने घर के मच्छरों को दूर भगा सकते हैं और अपनी हेल्थ भी मेंटेन रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको लेनी है 4 से 5 टिकिया कपूर की, जो आपको इजिली आपको परचून की दुकान से मिल जाएगी, कोई झंझटबाजी भी नहीं, ठीक है ना। उसके साथ आपको लेना है नीम का तेल, जो आपको परचून की दुकान से इजीली मिल जाएगा। अब क्या करना है, आपने जो आपके घर पे कोई भी लिक्विड वाली शीशी है जो खाली हो गई होगी, उसको आपको खोलना है, उसको नीम के तेल से भर लेना है। उसमें आपको 4-5 टिकिया कपूर की कूट कर डाल देनी है। बस उनको अच्छे से मिक्स करना है और रात को उसको सोते समय लगा देना है। तो यहाँ पर आपका रेडी है बेहतरीन वाला होममेड लिक्विड। सिर्फ 2 चीजों को मिलकर बना है और ये आपकी हेल्थ भी मेंटेन रखेगा और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी देगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कपूर का इस्तेमाल हम पूजा के समय करते हैं और नीम का तेल ये आपको रोगों से लड़ने की क्षमता भी देगा। तो बस आपके मच्छर भी भाग गए, आपकी हेल्थ भी मेंटेन रही, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। लेकिन मुझे जरूर चाहिए अपना होमवर्क जरूर कम्प्लीट करके जाना। आज का होमवर्क यही है, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, तो जल्दी से करो ना, वीडियो खत्म हो गया, अब कितना टाइम चाहिए। जल्दी सब्सक्राइब करो और फटाफट से शेयर कर दो। तो चलो जल्दी से कमेंट करो कि आप में से किस किस ने ये लिक्विड बनाया और इसका क्या इफेक्ट रहा। ऐसी हमेशा कुछ नया और बेहतरीन लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।